लखीमपुर खीरी में सगी बहनों से बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपियों की मांग करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित दिया गया। ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद जिला प्रभारी सर्वेश पाठक ने बताया कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान ओमपाल, सुमित शर्मा, देवदास कश्यप, सत्यम आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपको? सर्वेश पाठक, राष्ट्रीय लोकदल बरेली। क्या मांग है आज ज्ञापन? हमारी ये मांग है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लखीमपुर खीरी में दो सगी बहनों का जघन्य अपराध लोगों ने किया, उनकी हत्या की गई, उसके विरोध में सभी लोगों को हम सब राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि कोई निरपराधी इसमें नहीं फंसना चाहिए और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो है कोई भी कंसेप्ट शासन प्रशासन पर नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है और ऐसे घृणित अपराध हर जिले में कहीं ना कहीं आपको जब से ये सरकार आई है देखने को मिल रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, महिला सुरक्षा की मांग करते हैं। हम ये आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए बरेली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं कि महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जाए। अधिकतर महिलाओं के सम्मान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी मांग है कि ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सफाई सबका हक है, अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फौना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर सफाई की प्रायोरिटी के साथ कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फौना फ्लोर क्लीनर। कॉन्टेक्ट करें 9897066784 या ईमेल करें। जूस, कैसा था फुटबॉल प्रैक्टिस?